हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट डिजिट इकाई अंक किसी भी संख्या का फाइंड करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ जो फैक्टोरियल पे बेस्ड होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं, पहले कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। जैसे हम जानते हैं किसी भी संख्या में अगर यूनिट इकाई अंक क्या हो, 0, 1, 5, 6 हो, तो इसका जब पावर हम लेंगे तो वही इकाई अंक वही आएगा। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक इतना दिया हो तो इसका इकाई अंक पे पावर अगर हो तो सेम यही आएगा। अगर इकाई अंक किसी भी संख्या का क्या हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, तो इसको क्या करेंगे, इसके पावर को 4 से भाग देंगे। अगर 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, अगर इसका पावर 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है तो इसका हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे 9 पे पावर अगर इवन हो, अगर सम संख्या हो तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 9 पे अगर पावर क्या हो, ऑड हो, विषम संख्या हो, तो हमेशा क्या आएगा, 9 आएगा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। फैक्टोरियल का कुछ कॉन्सेप्ट याद रखिए, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 × 4 × 3 × कहाँ तक, 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे, 120 होगा। जैसे 4 का करेंगे तो 4 को कहाँ तक करेंगे, 1 तक करेंगे, 24 होगा। ऐसे 3 का 6 होता है, 2 फैक्टोरियल का 2 होता है, 1 फैक्टोरियल को 1 लिखते हैं। तो आपको 5 तक ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। 5 फैक्टोरियल के बाद हमेशा क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल में भी 0 आएगा, वो 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो आपको ये याद रखना है, 5 फैक्टोरियल के बाद सब में क्या आएंगे, 0 आएंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 5 कहाँ तक है, 100 फैक्टोरियल तक। हम जानते हैं 1 फैक्टोरियल का मान क्या, 1 होगा। 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का क्या होता है, 6 होता है। 4 फैक्टोरियल का क्या होता है, 24 होता है, मगर हमें इकाई अंक लिखना है, 4 लिखेंगे। फिर 5 फैक्टोरियल का क्या होता है, 120 होता है, तो हमें इकाई अंक लिखना, यानी 0 लिखेंगे। अब एक बार आ गया अगर 0 तो 6 फैक्टोरियल भी 0 आएगा, 7 फैक्टोरियल भी 0 आएगा, यानी यहाँ से आगे तक क्या आएगा, 0 आने वाला। तो हमें कुछ नहीं करना, आगे का क्या होगा, यूनिट डिजिट 0 होगा। हम सिर्फ इतना को जोड़ ले, मेरा आंसर आ जाएगा, 6 × 4 = 10 × 12 = 13, कितना आ जाएगा, 13। 13 का इकाई अंक कितना होगा, 3 होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर, फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर, ऐसी कहाँ तक है, फैक्टोरियल 1000 का स्क्वायर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, 1, 1 का स्क्वायर 1, फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है, 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, 6 होता है, और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, मगर 36 का हमें क्या लेना है, इकाई अंक 6 लेंगे। फिर 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 576, उसका हमें इकाई अंक लेना है 6। अब 5 का कितना होता है, 120, 0 आ गया। अब 0 पर पावर कुछ भी हो क्या आता रहेगा, 0 ही आएगा। अब 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 120, अगला 6 फैक्टोरियल का मान में भी क्या आएगा, 0 आएगा। 7 फैक्टोरियल के मान में भी 0 आएगा, अगला सब 0 आएगा। हम जानते हैं 0 पर पावर कुछ भी हो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आगे जितने भी होंगे सबका क्या आएगा, 0 मान आने वाला है। तो हमें क्या करेंगे, सिर्फ ये इसको ऐड कर लेंगे, कितना होगा, 6 × 4 = 10 × 6 = 16 = 17, कितना आ जाएगा, 17 का यूनिट डिजिट कितना होगा, इकाई अंक 7 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 + 2 × 2 = 3 × 3 = ऐसी कहाँ है, 10 × 10 = तो 1 का मान जानते हैं 1 होता है, 2 × 2 = 2 का मान कितना है, जानते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 3 × 3 = 3 का मान कितना होता है, 6 होता है, 3 × 6 लिखना है। तो हम क्या करें, 3 × 4 अगर 4 करते हैं तो उसका 1 आता है, 3 × 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 4 × 3 × 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब 4 की बात आई, 4 × 4 = 4 है, तो 4 फैक्टोरियल का मान हम जानते हैं कितना होता है, 24 होता है, कितना होता है, 4 × 24 होता है। स्टूडेंट आपको हम ये प्रोसेस से बता रहे हैं, नहीं तो ये ओरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 5 पे क्या है, 120 होगा 5 फैक्टोरियल का मान, और आगे आपको निकालने की जरूरत, और आगे क्या हो जाएगा, 6 का
छः पे पावर कुछ भी हो क्या होगा, छः ही होने वाला है, क्योंकि छः का फैक्टोरियल करेंगे तो कितना आएगा, ज़ीरो आने वाला है। छः का जब फैक्टोरियल करेंगे उसमें भी जीरो आएगा, वो चार से क्या होगा, डिविजिबल होगा, यानी चार से डिवाइड होने वाला होगा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर छः पे पावर कुछ भी हो छः होगा, सात पे पावर ये सात पे पावर सात फैक्टोरियल है, ये क्या होगा, चार से डिवाइड होने वाला है। तो चार से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक वन हो जाएगा। अगला क्या है, आठ, आठ पे आठ फैक्टोरियल है, आठ का हम जैसे तोड़ेंगे, आठ गुने सात गुने छः गुने ऐसी वन तक, तो ये भी क्या होगा, चार से डिवाइड होने वाला है। तो आठ पर चार से डिवाइड होगा, उसका इकाई अंक कितना आएगा, छः आएगा। ऐसी फिर नौ है, नौ पे पावर नौ फैक्टोरियल, नौ फैक्टोरियल भी चार से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो नौ पे पावर चार से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, इकाई अंक हमारा वन आ जाने वाला है। कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। फिर दस पे पावर कुछ भी हो, क्योंकि जीरो पे पावर कुछ भी होगा, जीरो ही होने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसका तो वन हो गया, इसका चार हो गया। तीन पर पावर चार का मतलब क्या होता है, वन होता है, क्योंकि तीन पर पावर चार से डिवाइड होगा, उसका इकाई कितना आएगा, वन, और तीन का स्क्वायर नौ, नौ इकाई नौ, ये कितना हो जाएगा, नाइन हो जाएगा। अब ये देखिए चार पर पावर चौबीस है, चौबीस भी चार से डिवाइड हो रहा है, तो चार से कुछ डिवाइड हो, चार पर पावर चार से डिवाइड हो रहा है तो उसका इकाई कितना आएगा, छः आने वाला है। पाँच पर पावर कुछ भी हो कितना आएगा, पाँच ही आएगा, ये तो छः है ही। पाँच और छः के लिए हमेशा याद रखिएगा, और ज़ीरो वन के लिए जितना पावर हो उतना ही होगा। ये कितना हो गया, वन हो गया, ये हो गया छः, ये हो गया वन, बाकी तो ज़ीरो है। अब सबको हम ऐड करते हैं, अगर हम सबको ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए छः चार दस, नौ एक दस, ये तो ज़ीरो हो गया, इसका यहाँ इसका इकाई अंक ज़ीरो हो गया। अब यहाँ देखिए छः छः बारह, तेरह एक चौदह, चौदह पाँच कितना आएगा, उन्नीस आएगा, इसका इकाई अंक कितना होगा, नौ हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से आप फाइंड करेंगे, पाँच पर पावर कुछ भी हो तो उसका क्या आएगा, इकाई अंक पाँच ही आएगा। छः पर पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक छः ही आएगा। अब सात पर पावर सात फैक्टोरियल है, सात फैक्टोरियल क्या होगा, चार से डिवाइड हो रहा है, तो सात पर पावर कुछ भी चार से डिवाइड हो उसका इकाई अंक कितना होता है, वन हमने यहाँ पर लिखा। फिर आठ फैक्टोरियल का मतलब भी चार से डिवाइड होता है, तो अगर आठ पे पावर चार से डिवाइड कुछ हो रहा है तो उसका इकाई अंक छः आएगा, ऐसे ही हमने लिखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन फैक्टोरियल पर पावर वन फैक्टोरियल है, टू फैक्टोरियल पर पावर टू फैक्टोरियल, तो वन फैक्टोरियल को जानते हैं वन हो जाएगा, वन पे पावर वन। फिर टू फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं, टू पे पावर टू यानी फोर हो जाएगा। थ्री फैक्टोरियल को हम कितना लिखते हैं, सिक्स लिखते हैं, और इस थ्री फैक्टोरियल का मतलब सिक्स, सिक्स पे पावर सिक्स कितना होगा, सिक्स पे पावर कुछ भी हो क्या होगा, सिक्स ही होगा। फिर यहाँ देखिए चार फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, चौबीस लिखते हैं, फिर यह चार फैक्टोरियल चौबीस, तो चौबीस पे पावर चौबीस क्या हो जाएगा, चौबीस का जो इकाई अंक कितना आता है, चार आता है, और चार पे पावर चौबीस। फिर पाँच पे पावर कुछ भी हो, पाँच फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, एक सौ बीस, एक सौ बीस में इकाई अंक कितना आता है, ज़ीरो, और ज़ीरो पे पावर कुछ भी हो क्या होगा, ज़ीरो। अगला भी आएगा जो छः फैक्टोरियल आएगा उसमें भी क्या होगा, ज़ीरो, अब ज़ीरो पे पावर कुछ भी हो क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा, यानी अगला जितने भी आने वाले हैं सब क्या आएगा, ज़ीरो ही ज़ीरो आएगा। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कितना होगा, छः चार दस, दस एक ग्यारह हो जाएगा। फिर ये चार पे पावर चौबीस है, चौबीस पूरा चार से कट रहा है, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, छः आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, सत्रह, सत्रह का इकाई अंक कितना हो जाएगा, सात हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो फैक्टोरियल गुने तीन फैक्टोरियल गुने चार फैक्टोरियल का मान क्या होगा। हम देखिए दो फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, दो लिखते हैं, तीन फैक्टोरियल क्या लिखते हैं, छः लिखते हैं, चार फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, चौबीस लिखते हैं। अब इसे पावर बत्तीस है, तो इसके सिर्फ इकाई अंक को देखिए, छः दुना बारह, बारह चौका अड़तालीस, अड़तालीस का इकाई कितना आएगा, आठ आएगा। अब आठ पे पावर बत्तीस है, तो आठ पे पावर क्या हो, कुछ भी हो, अगर चार से डिवाइड हो रहा है, ये चार से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो आठ पावर जब चार से डिवाइड हो तो उसका इकाई अंक कितना होगा, छः हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैंतीस पावर बत्तीस पावर चार फैक्टोरियल, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तैंतीस पावर बत्तीस पे पावर चार फैक्टोरियल का मतलब कितना, चौबीस। अगर इस टाइप से लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे मान लीजिए दो पे पावर तीन लिखा हुआ, यानी दो को कितना बार हमें लिखना है, गुना में तीन बार लिखना है,
तो ऐसे ही क्या 32 से पावर 24 है, यानी 32 को 24 बार लिखना है गुने में। अगर हम लिखते हैं 33 पे पावर 32 को कितना बार लिखना है, 24 बार। अगर हम लिख देते हैं 24 बार, मान लीजिए यहाँ तक आ गया 24 बार। अब ये 32 से 4 से तो पूरा क्या है, डिवाइड है, तो 4 से जैसे ही पूरा डिवाइड हो, इसका इकाई कितना है, 3। अब 3 पर कोई भी इकाई, 3 पर पावर अगर 4 से डिवाइड हो तो उसका इकाई कितना आ जाएगा, हमेशा 1 आ जाएगा, हमने ऊपर डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट इस तरह से आप क्या करेंगे, क्विकली यूनिट डिजिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी बताया है और ट्रिक भी बताया है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट्स हो तो आप कमेंट में लिख के बताइए, और फर्दर वीडियो के लिए भी कमेंट करें। अगर वीडियो यूज़फुल हो तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।